हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम इस वक्त किचन में हैं और बना रहे हैं जलेबी। जी हाँ, नाश्ते में जलेबी दही, ये बहुत ही प्रचलित नाश्ता है इलाहाबादियों का, और भी जगह भी सब लोग प्रेफर करते हैं सुबह के टाइम गर्मा गर्म जलेबी और दही का। तो मेरा तो मोस्ट फेवरेट है ये, तो वही मैं बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि घर पे आप गर्मा गर्म जलेबी कैसे बना सकते हैं सूजी का। तो मैं यहाँ पे सूजी की जलेबी बना रही हूँ, आप लोग वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये नाश्ता एक ऐसा हो गया है ना, लॉकडाउन लगने के वजह से समोसे जलेबी घर ही पर बना के गर्मा गर्म हम लोग खा लेते हैं ना, तो इससे शुद्ध खाना एक तो हम लोगों को मिल जा रहा है और बाहर का झंझट ख़त्म हो गया है। और ये सूजी की जो जलेबी है ना, झटपट बन जाती है और बहुत यम्मी और बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग झटपट जाइए मेरे चैनल पे और सूजी की जलेबी की रेसिपी देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जलेबी बनाकर खा रहे हैं, हम पति पत्नी का सुबह का ये है नाश्ता जलेबी दही। तो इस तरीके से चल रहा है आज के काम की शुरुआत, और बच्चे हैं अंदर तो आज बच्चों का मुंडन भी होना है, तो पहले नाश्ते वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी का काम आगे करेंगे। तो इधर मैं गर्मा गर्म जलेबी बना भी रही थी और खाने के लिए देती भी जा रही थी हस्बैंड जी को, बच्चे को। तो इस तरीके से सिरे में डाल लेंगे तलने के बाद जलेबी को, और अच्छे से इस तरीके से डुबो लेना है। तो इस तरीके से लॉकडाउन में एक तो फ़ायदा हो गया है कि अब हम लोग घर की जलेबी और घर के समोसे वगैरह खाने लगे हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ आगा अनाज धुल रही हूँ, काफ़ी गंदा हो गया था। मैं हफ्ते में या तो 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार आंगन जो होता है पोछा तो डेली लगाती हूँ, लेकिन धुलती भी हूँ ताकि जो जर्म्स वगैरह इस तरीके से पहले भिगो करके आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ू से बहार के मैं इस तरीके से आंगन को पूरा साफ़ करूँगी। तो सुबह के काम की शुरुआत हो गई है। तो सुबह नाश्ता हम लोगों ने जलेबी दही किया था और मेरा लंच भी बन के हो गया है रेडी, और बच्चे देख रहे थे, आप इंजॉय कर रहे थे। बच्चों का मुंडन वगैरह हो गया तो काफ़ी बाल वगैरह इधर हो गया था, टूट टूट के बाल भी कटवाए थे तो काफ़ी इधर फैल गया था, तो उसको भी क्लीन करना था। तो इस तरीके से काम की शुरुआत चल रही है हमारी। तो आंगन धुलने के बाद थोड़े बहुत कपड़े हैं वो धुल लूँगी, और लंच मेरा बन गया है। आज लंच बहुत सिंपल है, दाल भात चोखा डीबीसी। जी हाँ, डीबीसी आज है मेरा लंच, तो जो कि झटपट बन जाता है। और सुबह वैसे भी हम लोग ऑयली खाए थे जलेबी दही वगैरह, तो इस वजह से सोचा सिंपल लंच करते हैं, तो मैंने बहुत सिंपल बनाया है। तो इधर मैं सारा आंगन धुल रही हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, जब छोटा घर होता है तो गंदा भी बहुत जल्दी होता है लेकिन साफ़ भी बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी ये मेरा नीचे का कमरा है तो जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, प्लस आंगन में ही ये आंगन था, यहाँ पे मैंने किचन बनाया हुआ था तो यहीं पे काम करना पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर फैल जाती है जिस वजह से मुझे इस तरह धुलने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आंगन वगैरह धुलने के बाद घर में पोछा वगैरह मैंने सब लगा दिया है। यहाँ पे हम लोग खाने जा रहे हैं खरबूजा, बच्चे जिद कर रहे थे, एक्चुअली कल ये ड्यूटी से आए थे तो लेते हुए आए थे, और इनकी ड्यूटी आज सेकंड मीटिंग में है तो इस वजह से अभी हम लोग लंच नहीं किए हैं, सोचे थे लंच थोड़ा लेट में करेंगे, चलते हैं खरबूजा खा लेते हैं फटाफट से, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, और इसमें भरपूर मात्रा में जो पानी होता है ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो टुक टुक और रिद्धि तो बहुत इन्जॉय करते हैं, इनको बहुत ही पसंद है वाटरमेलन, और हमें भी बहुत पसंद है, तो हम लोग मिलके यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह खाएंगे। तो हस्बैंड जी की ड्यूटी जो मज़दूर वगैरह ट्रेन से लाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसी में लगी हुई है, तो उसी में उनको जाना है, तो काफ़ी आज शाम में ट्रेन आएगी तो शाम में ड्यूटी लगी उनकी, तो इस वजह से आज ये घर पे हैं और थोड़ा लेट काम चल रहा है हम लोगों का, इस लेट लंच भी हम लोग करेंगे और इसके बाद हम लोग नहाने जाएंगे। तो पहले से डिसाइड नहीं रहता, बच्चे तो नहा लिए हैं, हम लोगों का तो डिसाइड नहीं रहता कि कब क्या करना है, सडनली प्लान बनता है और ये काम होने लग जाता है, तो इस तरीके से चलता है। तो फिर चलिए खा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ मैं नहा के आई तो देख रही थी ये लोगों की चल रही है यहाँ पे ड्राइंग, टुक टुक भी ड्राइंग कर रही हैं, जो इनकी दीदी करती हैं वही कॉपी करती है, अगर दीदी इनकी ड्राइंग कर रही हैं तो टुक टुक भी करने लगती हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की ड्राइंग टाइम चल रहा है, दोनों लोग ड्राइंग कर रहे हैं,
कभी कभी सोचते हैं दो बच्चों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा रहता है तो वो कैसे घर में अपने आप को हैंडल करता है, या तो मम्मी या पापा के ही साथ, बट एक और बेबी होता है ना, तो उसके साथ उसके मीठी मीठी यादें रहती है, साथ में लड़ना, साथ में खेलना, साथ में पढ़ना, कई चीज़ें होती, चाहे वो 4 साल का अंतर हो चाहे 2 साल का। घर में दो बेबीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका क्या मानना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये मेरी सोच है। और हम लोगों ने लंच कर लिया है, शाम के इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और इस वक्त 7:30 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ मैं आलू फ्राई कर रही हूँ काट के, क्योंकि मैं जा रही हूँ बनाने, जी हाँ, पनीर वाला स्टाइल पालक जो होता नहीं पनीर, वैसे ही आलू पालक की ग्रेवी के साथ आलू की सब्ज़ी, तो आलू पालक की सब्ज़ी ग्रेवी वाली मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाले हैं और उसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने जीरा डाला है, उसके बाद अदरक लहसुन मिर्चे का जो पेस्ट होता है, और यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज लिया, वो भी पीस लिया है अच्छे से, और इसको फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे जब हमारा जीरा अच्छे से भुन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब हमारा प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, और फिर इसके बाद अच्छे से चला लेंगे इसे। 2 से 3 मिनट बाद चलाने के बाद इसमें हम लोग 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और उसके बाद पनीर मसाला आता है सूखा, आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पनीर मसाला डाला है, उसके बाद अच्छे से हमें चला लेना है। 5 रुपये वाला पाउच आता है, मैंने आधा से ज़्यादा पाउच इसमें डाला है, और अच्छे से हमें मसाला, जी हाँ, 5 मिनट तक भुनना है, मीडियम आँच पर हमें मसाले अच्छे से भून लेना है। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैंने टमाटर डाला है, जो कि मैंने 1.5 टमाटर लिया था, चॉप करके रखा था, तो उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट चलाना है, उसके बाद इसमें हमने जो पालक पीस के रखा था, बॉईल करके पीस लिए थे मिक्सी में, उसे डाल देना है। उसमें फिर पानी अलग से ऐड कर देना है इसमें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। उसके बाद मैंने आलू जो फ्राई करके साइड में रखा हुआ था, 2 से 3 मिनट चलाने के बाद उसमें हम लोग पालक डाल देंगे, पालक में आलू सॉरी डाल देंगे। जब पालक में थोड़ा सा बॉयल पन आने लगता है तब उसमें आलू ऐड कर देना, और फिर केवल 10 से 5 मिनट और पकाना, और फिर गैस बंद कर दीजिए, आपकी सब्जी हो गई रेडी। तो इधर बच्चे पी रहे हैं मैंगो शेक, हस्बैंड जी अभी ड्यूटी से आए हैं वापस, तो उनको मैंने पानी पीने के लिए मैंगो जूस दिया है, और मैं इधर बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ रात में, और कपड़े वगैरह भी मैंने जो सूख गए थे लेके आई थी, लेकिन समेटने का समय नहीं मिल पाया था तो मैंने इसी पर रख दिया था, तो उसे भी अभी मुझे समेटना है। और मैं इधर की बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इधर की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी, तो ये सब काम चल रहा है। और जो साइड में मैंने बेडशीट रखी थी उसको भी फोल्ड करके मैं रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि कल मुझे इसको धुलना है, तो मैं फोल्ड करके आंगन में रख देती हूँ। इस तरीके से करती हूँ अपना काम, क्योंकि अंदर की भी बेडशीट मैंने चेंज की है, क्योंकि इस पर टुक टुक जब कुछ भी खाती पीती हैं थोड़ा सा लगा देती हैं, और आजकल साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ा है इस वजह से, तो मैं उसको बस खंगार के बाहर साइड डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था, आज ही मैंने उस बेडशीट को बिछाया था, और इधर मैंने बेडशीट बिछा ली है। उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं डिनर करने। तो ये है मेरी थाली आज की डिनर की, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो डिनर करने के बाद जो कपड़े वगैरह मैंने सुखाए थे उसको मैं लेकर के अच्छे से यहाँ फोल्ड कर लूँगी। मैंने यहाँ अपनी कुर्ती फिर से चेंज कर ली है, सुबह वाली पहन ली है, सूख गई थी, क्योंकि जब मैं सब कर रख रही थी तो मेरे टी शर्ट पे एक्चुअली सब्जी निकाल रही थी, तो ले आ रही थी, तो टुक टुक का धक्का लग गया था, वही सब्जी मेरे टी शर्ट पे गिर गई थी, इस वजह से मुझे ये कुर्ती फिर से डालनी पड़ी। दिन में डाला था, सूख गया था, तो मैंने इसी को डाल लिया, उसके बाद इन्हीं सूखे कपड़ों में था, और बाकी जो कपड़े मैंने सुखाए हैं उसको मैं फोल्ड करके इस तरीके से रख दूँगी। तो इन्हीं बातों पे आज का वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। काफ़ी काम रहता है हाउसवाइफ को, सुबह से काम काम काम, शाम तक काम काम, और बच्चे इस वक्त देख रहे हैं टीवी। तो मैं वीडियो ख़त्म करने से एक बात बोलूँगी, जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए हाउसवाइफ को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।